तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीटेक पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हम रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हो, या फिर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्ले लिस्ट है उस पर क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट टू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले वीडियो में हमने कुल 43 क्वेश्चन देखे थे, इस वीडियो में हम 47 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सेमेस्टर फर्स्ट के हैं। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करिए, 100% गारंटी दे रहे हैं हम कि जो क्वेश्चन है ईएस के जो भी है वो यही जितने 6 पार्ट बनेंगे कुल ईएस के, तो उन्हीं में से पूरे 20 पे के 20 जो क्वेश्चन है इन्हीं में से आने वाले। दोस्तों, अगर एक भी क्वेश्चन इनके बाहर से आता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, हम फिर से एक बार बता देते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि दिखाई दे रहा है, तो वन बाइट यानी कितना होता है? वन बाइट यानी 8 बीट होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 8 बीट यानी सी। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो कंप्यूटर सिस्टम में तो क्या रहता है जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उससे बना हुआ रहता है दोस्तों। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, तो दोस्तों वायरस आंसर इसका करेक्ट आंसर रहता है, जो कि दूसरे प्रोग्राम को मुझे धोखा निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एसेस वेब पेज कॉल्ड, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो जिसका यूज हम कंप्यूटर के यूजर्स लोकेट एंड एसेस वेब पेज जो कि उसको करने के काम आता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है क्यू वेब पेज। सेकेंड क्वेश्चन, एंड इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, जो साइबर क्राइम करके जानी जाती है दोस्तों, इसका आंसर आएगा बी। तो कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड वैन, जो कि विश्व के इस पर लिया जाता है वो की है WAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और जो लैन है वो हमारे एक 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 से लेके 100 किलोमीटर के दूरी के लिए यूज़ किया जाता है, और जो मैन है वो हमारा 1 किलोमीटर 0 से लेके 1 किलोमीटर के रेंज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपीयू कंसिस्ट इज कंट्रोल यूनिट एंड ALU, सीपीयू स्टैंडर्ड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि बी करेक्ट ऑप्शन है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज, दोस्तों अभी बताया मैंने आपको, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप लैन का यूज़ करते हो, और ग्लोबल एरिया इस पर करना है आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से, तो आप वो वैन का यूज़ कर सकते हो। इन ईमेल वेयर यू विल एट द रिसेंट ईमेल एड्रेस होम यू वॉन्ट सेंड द कॉपी ऑफ ईमेल, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो CC आता है। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है? सेल। MS Excel collection of worksheet is known as, collection of worksheet को क्या कहते हैं हम? Workbook। In Excel to insert a formula in cell we must begin the entry with operator, दोस्तों इसका जो A correct option है equal to का sign यही आता है। In MS Paint which extension is not supported, option है B, यहाँ पे document support नहीं करता है MS Excel Paint में। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विथ लेंथ वाइज, जो कि पोर्ट्रेट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट प्रिंटेड विथ वाइज, अभी पोर्ट्रेट हमने लेंथ वाइज देखे तो उसका पोर्ट्रेट आता है, और जो विथ वाइज आता है इसका लैंडस्केप आता है। प्रोग्राम दैट इम्पैक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, जो कि अभी हमने देखे जिसका आंसर वायरस आता है। स्प्रेडशीट आर सेव विथ एक्सटेंशन, स्प्रेडशीट किसके साथ, कौन सी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? इसका ऑप्शन ए बराबर है, XLS। स्प्रेडशीट आर सेव विथ एक्सटेंशन, दोस्तों डबल रिपीट क्वेश्चन किया गया है। द एक्सटेंशन ऑफ लैन, जैसे कि हमने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी। द एक्सटेंशन ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका करेक्ट ऑप्शन बी। द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज बी, रेंड एंड मेमोरी, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि जो आंसर रहता है यहाँ नीचे में ही दिया हुआ रहता है।
द एक्सपेंशन ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क, करेक्ट ऑप्शन इज सी. व्हाट डस ASAP स्टैंड फॉर इन SMS, तो इसका करेक्ट आंसर आता है एज सुन एज पॉसिबल. दोस्तों ये जो करेक्ट आंसर है ये आएगा. व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ कॉपी, कॉपी के लिए शॉर्टकट की कौन सी रहती है दोस्तों, आप सभी को पता है कंट्रोल प्लस सी. व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको पता है कट के लिए जो शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल प्लस एक्स रहता है. और शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल कमांड, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस ए. व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट, तो शॉर्टकट की क्या क्या रहती है दोस्तों, ए देखे हमने, तो हमने सबसे पहले देखे सी जो कॉपी के लिए रहती है, ए देखे हमने जो कट के लिए, कट के लिए अपना कट के लिए देखे हमने एक्स, और जो सिलेक्ट ऑल के लिए ए, तो बचा कंट्रोल प्लस बी, तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा. द ऑल व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ द फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा अपना D4. व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज, न्यू फोल्डर जो हम अपने जो विंडोज पे जो डिफॉल्ट नेम से जो भी फोल्डर क्रिएट करते हैं वो न्यू फोल्डर के नाम से करते हैं. व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फॉर योर इन्फॉर्मेशन ए. वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी रिस्टोर, तो दोस्तों वो हम कहाँ रहते हैं, हमारे जो डिलीट फाइल की रहती है वो रिसाइकल बिन में रहती है. विच डिवाइस यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू PC, मोडेम, ये करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में. विच शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड, अभी रिपीट किया है दोस्तों इस क्वेश्चन को, कॉपी कमांड के लिए हमने देखे थे कंट्रोल प्लस सी. विच इज वन डू नॉट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यूज हार्ड टू गेस पासवर्ड, डिस्क्लोज पासवर्ड टू anyone, टेक बैकअप डाटा यूर पर PC प्रोडक्टली इनक्रिप्ट लैपटॉप हार्ड ड्राइव मोबाइल, तो दोस्तों अपना जो पासवर्ड है आप किसी को ही ना बताएं ताकि वो गैरफायदा ना उठा सके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा B. विच इज साइबर क्राइम, दोस्तों जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है वो एक साइबर क्राइम है. ऑनलाइन परचेसिंग तो लेन देन होती है, सेंडिंग ईमेल ये कोई ये सब क्या है लीगल है, पर ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है ये इलीगल है. विच वन इज फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम विथ विंडोज, दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा विंडो एक्सप्लोरर जो कि विंडोज के साथ आता है. विच वन इज सर्च इंजिन, तो सर्च इंजिन यानी क्या होता है दोस्तों, गूगल, बाकी जो सोशल साइट से. विच वन इज सर्च इंजिन, वापस से आया दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, याहू भी एक सर्च इंजिन है. विच वन इज सोशल नेटवर्किंग साइट, तो दोस्तों यहाँ पे जो सोशल नेटवर्किंग साइट है ये जो है फेसबुक, बाकी जो हमने हमने देखे थे सर्च इंजिन है. विच इज वन वेब ब्राउजर, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर. विच वन इज इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस यानी दोस्तों हम जिसको कमांड कंप्यूटर को कमांड करते हैं, जैसे प्रिंटर तो नहीं है तो आउटपुट देता है, मॉनिटर ये भी आउटपुट देता है, स्पीकर ये भी आउटपुट देता है, पर जॉयस्टिक है जिसको हम इनपुट करते हैं, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर. विच वन इज आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, तो आउटपुट डिवाइस है यहाँ पे हमने अभी देखे कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी जितने भी माइक माउस कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है. विच नॉट स्टोरेज डिवाइस, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए प्रिंटर. विच इज द वन डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, जो कि हमें मैक एडिक्टिव बनाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लत लग जाती है, ये करेक्ट आंसर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द सेनेम फॉर द वर्ड क्वी टाइप इन MS Word, दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आएगा सीजर्स. लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो का, यू विड्रॉ 500 फ्रॉम ATM, द ATM मशीन गिव आउट ऑफ 5000, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी, तो दोस्तों यहाँ कहा है आपने विड्रॉल 5000 का किया है पर आपको मशीन से 5000 मिले, तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा, एथिकली करेक्ट, तो मेक कंप्लेन, तो आप शिकायत दर्ज करेंगे, टेक क्या आप पैसे लोगे, ड्रॉप द मनी नियर ATM, क्या आप वही छोड़ दोगे, गिव द मनी तो पुअर, क्या आप गरीब को दे देंगे, तो सही ऑप्शन आएगा दोस्तों आप इसकी कंप्लेन करेंगे पुलिस स्टेशन में. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आज का सेकेंड पार्ट है, इतने क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, और ऐसे वीडियो के हमारे लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और एक बात बता दो दोस्तों, जितने भी IT से रिलेटेड जॉब हो, वैकेंसी है, अपर्नशिप है, हम अपने यूट्यूब चैनल पर डेली अपडेट करते रहते हैं. अगर आपको सबसे जल्दी नोटिफिकेशन मिलना चाहिए जॉब के बारे में या IT से रिलेटेड कोई भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं.